गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीसी डागर ब्लॉग में। ठीक है, और ये यादू की रोटी है। तो यादू को वो है, क्या बोलते हैं उसको, कोलेस्ट्रॉल है, इसीलिए बिना चिपड़ी रोटी खावे है। मैं सोचिए गई यादू तो बिना चिपड़ी रोटी देवे है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल है यादू का, शुगर है। और जो भी व्लॉग देखता है और जितने भी देखते हैं ना, तो प्लीज लाइक कर, जब पहले वीडियो देखते हो ना तो पहले लाइक दबा दिया करो, और सब्सक्राइब अगर न्यू आ रहे हो तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर दिया करो वीडियोस देखते हो तो, क्योंकि अगर आप सब दाल इतनी अच्छी बन रही है, हाँ, अच्छा लहसुन वसन भेज के, कभी मन, जब मैं खाना बनाती हूँ ना तो बिल्कुल दिल से बनाती हूँ। तो गाइस, ऐसे नहीं चलता फिरता काम कर दिया जयराम जी की। और गाइस, जो वैशाली का चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर दो, उस चैनल करो। तो गाइस, वैशाली का चैनल भी सब्सक्राइब करो, उस चैनल पे आपको स्किन से रिलेटेड क्यों मेरी बेइज्जती करवा रहे हो यार, स्किन से रिलेटेड आपको वीडियो मिलेगी, और जो इसका आउटफिट होता है उससे रिलेटेड मिलेगी कि कैसे कपड़े पहनने चाहिए लड़कियों को, जो लंबी होती है, जो गिट्ठी होती है, जो काली होती है, मोटी होती है, उनको कैसे कपड़े पहनने चाहिए। तुम क्यों देख रही इधर? और गाइस, जल्दी से मेरे चैनल को लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, जाके प्लीज सब्सक्राइब कर लो। और जो भी अगर आपकी प्रॉब्लम है ना, मेरे कमेंट में कमेंट करो, मैं सबके रिप्लाई देती हूँ, स्किन से रिलेटेड, किसी से भी रिलेटेड। गाइस, जल्दी जाके सब्सक्राइब करो। गाइस, मैं कहीं भूल गई हूं, अब यादू का मतलब आप और देख सकते थे, नहीं लाई तू, पापा अब अच्छे लग रहे हैं, बाल ठीक करवा के ना, पहले तो इतने जीव लगते थे इसे देख, मेरा आगे फैल से हो, पर मम्मी आप गंजे हो रहे हो, कोई बात ना, गंजे हो रही तो बाहर। गाइस, इसका हूं, गाइस मम्मी को देखो, इसका इलाज बताओ मम्मी, मां की कसम, भी अभी फोटो खींच रही हूं, कितनी गंजी दिख रही है, बहुत ज्यादा हो। तो गाइस, इसने एक कारस्तानी करी है मेरे बालों पे, ताकि मैं गंजी ना दिखूं। क्यों गंजी नहीं, ताकि मम्मी के बाल पीछे हो जाए, ये मम्मी के बाल ना पीछे हो जाए, और फिर ना ये बढ़ जाए। अरे की कटोरी ले लो, दाल घड़ी ना बनाई मैंने, हट जा निकले। अरे मैं करके रहा हूँ, फिर बैठा ही था, गू दिया खा ले तू भी, बात शेयर करना चाहती हूँ कि दीक्षा की 4 बजे की फ्लाइट है, इसलिए रेडी हो रखी है, दीक्षा कनाडा जाने वाली है, कनाडा कनाडा होया। तो आपको कैसा लग रहा है दीक्षा, क्या आप खुश है? हमको, हम तो बहुत खुश है। मम्मी आप खुश हो? दीक्षा निखिल तू खुश है? पापा आप खुश हो? दीक्षा जा रही है, दीक्षा तू खुश है? रोइयो मत, इधर देख ऊपर, ऊपर तो देख, वहां जाके तुम्हें काम करना पड़ेगा। तो गाइस, इसने काम वाली भी ना मिली। तो गाइस, ये सबसे ज्यादा इसलिए रो रही है क्योंकि स्कूबी को मिस करी। कोई नहीं, हम वीडियो कॉल में दिखा देंगे, ठीक है मम्मी? हां, कौन सा मिस करेगी, सारे काम तो इसके मैं करूं, सी टट्टी मैं डाऊं। स्कूबी की भी टिकट लग जाए तो लगवा दो। क्यों, ले जाओ इन्हें भी, आपकी भी लगवा दे, मैं दोनों की थारी दुबई की आंडा हूं, एक बार लगवा दूं दुबई की टिकट। सगर देखे दुबई पागल सी के लोग बना तो रहा, मतलब एक दिन दूध की थैली लिया होगा ना, ये पूरे महीने गावेगा। एक दिन अगर इसने 2000 रुपये मेरे तो दे दिए तो 6 महीने तक गावेगा। और तेरे मुंह पे फुर्सी ना भी निकट रही होगी ना, जब भी नुगा देख देख कितनी फुर्सी निकट रही है तेरे, देख देख मुनास करेगी अपने मुंह का, छड़ी नस करेगी कति, देख इतना ज्ञान दे देगा, मतलब दूसरे आदमी ने पका देगा, कति भून दे। तो गाइस, तो गाइस, आप देख सकते हो मौसम कितना अच्छा हो रहा है, और ये ऊपर फूल छूट चल रहा है, और ये इसको नीचे से बुला रहा है कि पकड़ पकड़ पकड़, देख पकड़ 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 इसको भी पकड़ पकड़, ठीक है। और ये मौसम देख सकते हो आप कितना अच्छा हो रहा है,
ठीक है। ओए पकड़ ली। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विशी डागर ब्लॉग में। तो आप सब कैसे होंगे, आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। तो मेरे दिन की शुरुआत हुई है, सुबह मैंने एक कप चाय पी थी, उसके बाद मैंने बेसन घोल के, क्योंकि आज बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था बाहर का, बेसन घोल के फटाफट जो बोलते चीले, मैंने के नाश्ते में चीले भी खा लेंगे और जो एक चीला बचेगा जो यहाँ बोलते पूड़े का रायता बेसन का, वो मैं पूड़े का रायता बनाऊंगी और मम्मी रेसिपी भी शेयर करेगी। देख सकते हो मेरा ये बन गया है एक चीला। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। इसको हम पलटते हैं, थोड़ा इसके ऊपर तेल डाल लेते हैं हम। ठीक है, जिससे चिपके ना, और अभी नीचे से बिल्कुल पक गया है, देख सकते हो। अगर ऊपर से ये ऐसे हो जाए ना तो समझ जाओ पक गया। ये देखो पक गया है। अब हम इसको यहाँ से पकड़ेंगे। गाइस इतना बढ़िया मौसम हो रहा है ना, सुबह सुबह उठे हो, ओहो तरोताजा हो गए उठ के। बिल्कुल ऑसम हो रहा है, एक नंबर का। तो गाइस ये मैंने 1 किलो दही जमा रखी थी और इस दही को मैं इसमें शिफ्ट करूंगी। ठीक है, और ये देखो ये है पूड़ा जो मैंने एक पूड़ा बचा रखा है, और भाई एक दो ये बना रखे हैं जो बच्चे खा लेंगे। ठीक है, अब इसमें मैं छोटे छोटे टुकड़े करके डालूंगी, इसमें इसको इसमें जीरा सब कुछ डालूंगी धीरे धीरे करके। ठीक है, ये मैंने इसमें दही छिट्टम छीट होगी, कोई बात ना, छिट्टम छीट दही तो है। ठीक है, ये इसमें मैंने जग में डाल दी कि रायता फिर उसमें लोटे में बनता नहीं ना। ठीक है, अब इसको मैं रई से इसको ऐसे फेंट रही हूँ जिससे दही की गांठ सी ना रहे। ठीक है, ये देखो होगी ना। अब इसको मैं इस लोटे में रख रही हूँ। अब ये जो पूड़ा बच रहा है इसके छोटे छोटे टुकड़े ऐसे ऐसे डालेंगे। ये पूड़े का रायता वैसे है ना, मैंने कभी खाया नहीं था, ससुराल में ही आके मैंने यहाँ पूड़े का रायता ज़्यादा खाया है, बड़ा अच्छा लगता है और बड़ा टेस्टी भी लगता है। ठीक है, जिसने बनाया हो, जिसके यहाँ बनाते हैं प्लीज़ कमेंट करना। ये मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं जीरा डालूंगी जो मैंने पीस रखा है, मतलब पीस नहीं रखा, मैंने पहले ही भून के रख रखा था इतना है। इसको मैं हथेली पर रगड़ के देसी जुगाड़। ठीक है, ये ख़त्म हो गया हमारा ऐसे करके डाल दूंगी। और फिर इसमें स्वाद अनुसार नमक, झटपट हमारा रायता तैयार हो जाएगा। लहसुन वगैरह मैं इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि मुझे लहसुन सब्जी में ही पसंद है। थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दूँगी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, ये लाल मिर्च डाल दी। अब इसको हम इसे इसी रई से मतलब घोल लेंगे। ऐसे करके घोल लेंगे जिससे नमक वमक सब कुछ मिक्स हो जाए। तो गाइस हमारा रायता तैयार हो गया, देख सकते हो। ठीक है, ये हमारा रायता तैयार हो गया। अब मैं क्या करूँगी, चूना उसलूँगी मैं। अब इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। ओके बाय, अब मैं मिलती हूँ, चून चान उसल के रोटी बनाऊँगी। ओके बाय। बैक कैमरा ज़्यादा क्लियर है इसका। हेलो बोलो। तो गाइस ये मम्मी ने मिल लिया छान लिया चून। ठीक है, तो गाइस मैंने चून भेज दिया है, देख सकते हो
तो अब मैं इसको ढक के 2-3 कपड़ों पे प्रेस करूँगी क्योंकि यादू जू जाओगा ड्यूटी में, ठीक है। उसके बाद मैं रोटी राटी बनाऊँगी। प्रेस कर रही हूँ कपड़ों पे, जो रोटी बनानी है अभी, ठीक है गाइस। और इसको भी ने 2 माँद मार दी है बाहर, बारिश का मौसम हो रहा है, आप समझ सकते हो कि क्या हालत हो रही होगी हमारी। इब निखिल मट्टी लेकर आएगा वहाँ से हेली में से और उसने उठाएगा, मेरे तो बस की है नहीं भाई, नहीं तो मैं तो कर दूंगी चलता इस कुत्ते में। आप तो कभी उठाते भी ना हो। मैं मेरे बस की नहीं भाई, वो एक कप चाय बना ला, इतनी मत बोले, टच मत कर दियो, पहले बता रही हूँ। हाँ बता रही हूँ मैं, बस हुकम मत दे, हुकम मत दे, बनाता हो तो बना ले। हाँ तू नहीं करना लग रहा है ना, तो बैठ गया मदर। ये चुर्रेट क्या होता है, क्या होता है चुर्रेट? चुर्रेट मानी चाहिए वही तो। आजकल याद बहुत फोन में घुसने लगे, न्यूज देखते रहते दिन भर, बैंक को पढ़ो था, बैंक की डिटेल। मेरी हुई यादू के साथ लड़ाई, बनाई है मैंने वीडियो, डाल दी है ना, ना रहने दे, गाड़ी गोली दे रही हूँ मैं यादू के। तो पुष्पा कैसा लगा पूरा तेरे? अच्छा। हमारी पुष्पा को दिखाओ भाई, ना मैं ना, इसको मत दिखाओ पुष्पा को, अभी मम्मी बनाएगी रोटी। तो गाइस अब रोटी बनाने जा रही हूँ मैं, और बारिश आ तो गई, जब ये कहते कि बारिश नहीं आ रही, नहीं आ रही, और बारिश आ रही है तो बस जीना सा आराम हो रहा है हमारा, तो सारे का खर्चा ही खर्चा हो रहा है।